मैं समय हूं और समय सबके पास कम है। अगर जीवन सही से जीना है और साथ ही में वेट भी कम करना है तो समय का अभाव सबसे बड़ी समस्या है। यही कारण है कि आप में से बहुत सारे लोग एक्सरसाइजेस से दूर भागते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा समय चाहिए। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि आप एक घंटे की एक्सरसाइज केवल 20 मिनट में कर पाएं और उतना ही फायदा ले पाएं या शायद ज़्यादा, तो आप क्या कहेंगे? हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT या हिट। हिट वही चीज़ है। तो आज के एपिसोड में देखेंगे हिट कैसे करते हैं और उसके साथ बेनिफिट्स। मैं हूं अजीत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं लेजेंडरी लाइफ। कोई भी एक्सरसाइज ले लीजिए, स्किपिंग ले लेते हैं। स्किपिंग नॉर्मली हम 1000-2000 करते हैं, लेकिन अगर हमको स्किपिंग के द्वारा ही हिट करना है तो कैसे करेंगे? जो भी आपकी स्किपिंग करने की मैक्सिमम स्पीड है, याद रखिए की पॉइंट, मैक्सिमम स्पीड, तो उस स्पीड में आपको 30 सेकंड्स लगातार स्किपिंग करनी है फुल स्पीड में, और उसके बाद रेस्ट करना है, चाहे एक मिनट लगे चाहे दो मिनट। ऐसे ही आपको 10 से 15 बार करना है। इस टाइप की एक्सरसाइज को कहेंगे हिट। बेसिकली यहाँ पे स्पीड इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए है। कुछ लोग एडवांस स्किपिंग भी कर सकते होंगे, तो वो लोग स्पीड बढ़ाने के बदले डबल अंडर्स कर सकते हैं, मतलब एक जंप में दो बार स्किप। ये नॉर्मल स्पीड रोप से भी ज़्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है। तो यदि आप 30 सेकेंड्स लगातार डबल अंडर्स कर सकें और उसके बाद आप रेस्ट लें, तो ये भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हो गई। हम बात करेंगे अब हिट के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आखिर मुझे भी हेयर कट खुद से ही लेना पड़ा। वैसे आपको क्या लगता है, सही कटे हैं क्या? आपको पता चल रहा है हेयर कट लिया भी है? यदि हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला बेनिफिट, एनारोबिक एक्सरसाइज। नॉर्मल स्किपिंग एरोबिक एक्सरसाइज है। इसका मतलब जब आप स्किपिंग कर रहे होते हैं उसी वक्त आप कैलोरी बर्न कर रहे होते हैं। एरोबिक का मतलब सांस लेने की वजह से, ऑक्सीजन लेने की वजह से, हवा लेने की वजह से। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसी वक्त आपकी सांसें तेज होती हैं और उसी वक्त आप कैलोरीज बर्न करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आप हिट के मेथड से स्किपिंग करेंगे तो शरीर इस टाइप की एक्सरसाइज को एनारोबिक एक्सरसाइज में काउंट करता है। इसका मतलब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो आपका शरीर कैलोरीज बर्न कर रहा है, लेकिन एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी कैलोरीज बर्न होती रहती हैं। तो हो गया ना डबल फायदा। दूसरा है ईपॉक। ईपॉक का फुल फॉर्म होता है एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, मतलब एक्सरसाइज के बाद कितना आप ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं। खुशखबरी की बात यह है कि हीट में आपका ईपॉक बहुत बढ़ जाता है नॉर्मल स्किपिंग के या एक्सरसाइज के मुकाबले। और मैं आपको बता दूं, हम लोग लगभग हिट करने के बाद 5 कैलोरीज पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं। इसका मतलब ईपॉक बढ़ा तो आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा, और ऑक्सीजन कंजम्पशन की वजह से आपकी बाद की कैलोरीज भी बढ़ी। और ये सिर्फ कई मिनटों तक नहीं, कई घंटों तक चलता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप मेन एक्सरसाइज से ज़्यादा एक्सरसाइज के बाद बर्न कर दें। तीसरा फायदा है फैट बर्न। क्योंकि इस टाइप की एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा एनर्जी कम समय के अंदर ही शरीर को लेनी होती है, तो जब हम रेस्ट मोड में रहते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, जब हम आराम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त शरीर नॉर्मल मसल से एनर्जी ले लेती है। लेकिन जैसे ही हम दोबारा फिर से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, शरीर हमारे ग्लाइकोजन स्टोर, मतलब हमारे मसल्स में जो स्टोर एनर्जी है, वहाँ से उसे नहीं खींच पाती, तो उसे मजबूरन फैट स्टोर्स में से फैट लेना पड़ेगा जलाने के लिए, एनर्जी के लिए। और सिर्फ यही नहीं,
एक्सरसाइज के बाद जब हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा होता है शरीर को, तब भी बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपनी बॉडी को रिकवर कर सके, और तब भी नॉर्मल ग्लाइकोजन स्टोर्स से वो नहीं लेती क्योंकि वो रिजर्व स्टॉक है, उसको बचाना होता है, इसलिए वो स्टोर्स में से फैट लेना स्टार्ट करती है एनर्जी के लिए। तो न सिर्फ आप एक्सरसाइज के दौरान फैट बर्न कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज के बाद भी घंटों तक फैट बर्न चलता रहता है। यही नहीं, स्टडीज बताती है कि हीट के तरीके से एक्सरसाइज करना बेली फैट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, मतलब पेट की चर्बी सबसे ज़्यादा बर्न होती है हीट के मेथड से। चॉइस आपकी है। चौथा फायदा है मेटाबॉलिक वेस्ट। अब हीट के मेथड से एक्सरसाइज करने की वजह से बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा होते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन और लैक्टिक एसिड। इन सारे वेस्ट की वजह से बॉडी को एक्टिव रिकवरी मोड में आना पड़ता है। एक्टिव और पैसिव रिकवरी मोड मैं अभी इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, बट आप ये समझ लीजिए कि शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है और बेसिकली ये सारा मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से रिमूव कर देते हैं, और मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होने की वजह से हमारे मसल्स नेक्स्ट वर्कआउट के लिए रेडी हो पाते हैं। और जिसकी वजह से यदि आप पहले एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे और आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट पहले से जमा हुआ था वो सब भी क्लियर हो जाता है। अब आपके मसल्स ज़्यादा कसे हुए दिखाई देंगे, ज़्यादा सुडौल और कड़क। पांचवा बेनिफिट है फिजियोलॉजिकल बेनिफिट। हीट की वजह से जो हमारा सेल है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारे सेल की बैटरी है। माइटोकॉन्ड्रिया यदि ज़्यादा देर तक नहीं चलता है तो सेल भी ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। तो बेसिकली आप अपने सेल की लाइफ बढ़ा रहे हैं, और सेल की लाइफ बढ़ रही है तो बेसिकली आपकी लाइफ बढ़ रही है। न सिर्फ आपकी लाइफ बढ़ रही है, आपकी एजिंग भी कम हो रही है, क्योंकि सेम सेल ज़्यादा दिन तक चलता है, और सेल साइकिल्स जितनी जल्दी ख़त्म होते हैं आपकी एजिंग उतनी बढ़ती है। सेल साइकिल्स अगर स्लो है तो आपकी एजिंग भी स्लो रहेगी। इम्प्रूव्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, इसका मतलब आपका दिल ज़्यादा मजबूत है और एक बार धड़कने में ज़्यादा ब्लड पंप कर सकता है, और साथ ही में आपके हार्ट अटैक के चांस बहुत ही घट जाते हैं। यदि आप डायबिटीज़ वाले हैं तो आपके डायबिटीज़ के चांस कम होते हैं, यदि आप ब्लड प्रेशर वाले हैं तो उसके भी आप चांसेस घटा रहे हैं। आपकी एरोबिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसका मतलब आप ज़्यादा सांस ले पाते हैं, आपके फेफड़े ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं, ज़्यादा मसल्स में ऑक्सीजन दे सकते हैं, मसल्स की स्टेमिना बढ़ जाती है। अभी तक ये माना जाता था कि ये सारे बेनिफिट स्लो और लंबे समय तक करने वाली एक्सरसाइजेस से ही मिलती थी, जैसे कि जॉगिंग, जो आप एक एक घंटा भागें तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते थे। लेकिन स्टडीज़ ने अभी क्लियर कर दिया है कि हीट में ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। नंबर 6 है हॉर्मोन्स। हीट करने की वजह से हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ये सारे हॉर्मोन्स की पैदावार बढ़ जाती है। ये सारे ही हॉर्मोन्स दो काम बहुत ही इफेक्टिवली करते हैं। एक तो आपके मसल्स की साइज बढ़ाते हैं, उनकी ताकत बढ़ाते हैं, और दूसरा फैट बर्न करते हैं खाली पीली। खाली पीली क्या ये अच्छी बात है? आप डिसाइड कीजिए। इसी से आते हैं हमारे 7वें बेनिफिट पे, जो कि है टाइम। अब कैलोरीज के तौर पे देखेंगे तो नॉर्मल स्किपिंग यदि आप एक घंटे पे करें तो उसकी कैलोरीज और HIIT उसकी कैलोरीज दोनों लगभग सेम रहेगी, या शायद HIIT की थोड़ी ज़्यादा भी रहेगी, बट नॉर्मल स्टेडी स्किपिंग हम लोग शायद 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, एक घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन HIIT आप 15 या 20 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आपकी कैलोरीज नॉर्मल स्किपिंग में ज़्यादा बर्न होगी और इसमें काफ़ी कम। लेकिन याद रहे, इसका मेन एडवांटेज है पोस्ट एक्सरसाइज के बाद।
तो एक्सरसाइज के बाद जितनी कैलोरीज बर्न होती हैं वो और ये अगर कंबाइन कर दें तो नॉर्मल स्किपिंग के बराबर या उससे ज़्यादा ही होती है। और मेन चीज़ ये है कि ये सारा बेनिफिट आपने उससे एक तिहाई या एक चौथाई टाइम में पा लिया, समय की बचत तो हो ही गई। अब आते हैं फाइनल डिसीजन की ओर। इतने बेनिफिट्स देखने के बाद जाहिर सी बात है आपने सोचा होगा कि मैं आज से ही हिट के मेथड से ही स्किपिंग करूँगा। बट मैं आपको बता दूँ, हिट का मेथड जो है वो शरीर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डालता है। इसका मतलब यदि उसमें रिकवरी मोड नहीं आता है तो उसके फ़ायदे कम और नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हिट आप कीजिए पर हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी रिकवरी में टाइम लगता है। तो बाकी दिन आप क्या करेंगे? बाकी दिन में आप एटलीस्ट 2 दिन रेस्ट कीजिए। जो बचे हुए दिन हैं उसमें आप नॉर्मल जॉगिंग या स्किपिंग या साइकिलिंग, वॉकिंग, व्हाटएवर, जो भी आपको पसंद हो वो कीजिए। लेकिन 2 दिन का रेस्ट लेना ना भूलें एक वीक में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। मैं हूँ अजीत सिंह चौहान और मैं ये आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ लेजेंडरी हो जाए।